हमारे साथ पहला जो सवाल है वो अंजू जी का है, हैदराबाद से इन्होंने सवाल भेजा है और उन्होंने मेंशन किया है कि उनकी उम्र है 22 साल, हाउसवाइफ है और ये कुछ प्लानिंग करना चाह रही है। इनफैक्ट इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद है। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें बाकी दर्शकों को भी और कहाँ निवेश करना चाह रही हैं आप। हाँ, मेरा सवाल यही है कि मेरी बच्ची। मैम टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और अपना सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकती हैं। टीवी का बंद कर जी। हाँ, मैं अंजू गुप्ता हैदराबाद से बोल रही हूँ। बताइए मैम। मेरा सवाल यही है कि मेरी बच्ची 2 साल की है। ठीक है। और मुझे कोई ऐसा एनवायरनमेंट बताइए कि मेरी बेटी 20 साल तक होने पर उसकी शादी में कुछ अच्छा से अच्छा रकम मिले और काम आए। ठीक है, आप हर महीने 2000 रुपए निवेश कर सकती हैं। जी, 7-8 साल तक ही जमा कर सकती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अंजू आप फोन लाइन पे बने रहिएगा, फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा और प्रोग्राम में आपका सवाल को हम शामिल करेंगे। बीनू जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। बीनू, जैसे इन्होंने अपना प्रोफाइल बताया है, कोई खुद की आमदनी नहीं है, हाउसवाइफ है लेकिन कुछ सेविंग्स की ये बात कर रही है। ये हर महीने एक लंबी अवधि के लिए देखा जाए तो अगले 20 साल के लिए हर महीने कुछ रकम ये जमा कर सकती है। क्या SIP एक बेटर रूट रहेगा या फिर जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि क्या कोई चाइल्ड प्लान लेने की अगर ये सोचती है क्या वो रणनीति ठीक रहेगी। अंजू जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बहुत जल्दी ही अपने छोटे बच्चे के लिए प्लान करने का सोचा है, लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे भी किसी भी प्लान्स में अगर चाइल्ड प्लान लिखा हो या उसका नाम चाइल्ड प्लान हो तो वो आपके बच्चे के लिए, एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है ये इंश्योरेंस कंपनी के ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं जिसमें कि रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं, 5-6% के रेंज में होते हैं, जो कि आपका इन्फ्लेशन को भी मात नहीं दे पाते हैं। और वैसे भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना ही आपको पूरा इंश्योरेंस मिलता है और ना ही आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आपका गोल तो अच्छा है और आपका टेन्योर भी काफी अच्छा है, 20 साल का है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आप 2000 रुपए की राशि इन्वेस्ट करने की देखती हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए 20 साल के लिए, तो आपके टेन्योर को देखते हुए और आपके एज को देखते हुए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप 90% जो उसका भाग है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा जाएं और 10% PPF या किसी गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करें। तो इससे आपका, अगर मैं आपका रिटर्न 12.6% अनुमान करूं तो 21.5 लाख के लगभग 20 साल के बाद आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। चलिए, तो अंजू आपको राय भी दे दी है। रिकमेंडेड बिना कुछ और भी दर्शक ICICI प्रूफ फोकस ब्लू चिप फंड जी।